तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर से हटके एक नए काउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फैक्टेक्स। तो दोस्तों फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही एक पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज जो कमीशन एजेंट के व्यापारी होते हैं वो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों कमीशन एजेंट्स यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें जो दो धान मंडी में अर्थ का जो बिजनेस होता है उस बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें भी इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो दोस्तों धान मंडी के बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया हुआ है। कोई भी इंसान इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इजीली तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप धान मंडी के अर्थ के बिजनेस को अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो आपके दोस्त धान मंडी के अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप फैक्टेक्स के अलावा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनियों की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है ये सीखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको स्टेप टू स्टेप जो अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुतार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जब हम फैक्टेक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का लेआउट हमारे सामने आएगा इसका। और सबसे पहले हमें फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर टाइटल बार पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंपनी का फीचर। तो कंपनी पर आपको क्लिक करना है। कंपनी पर अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट के ऑप्शन पर। तो हम क्रिएट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में अगर आप अपने जो भी कंपनी यूज करते हो उसके साथ पासवर्ड मेंटेन करना चाहते हो पासवर्ड दे सकते हो, अदरवाइज आप इसे एम्प्टी छोड़ सकते हो। ओके पर हम क्लिक करेंगे तो ये एड कंपनी की विंडो हमारे सामने ओपन होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम हमारी उस कंपनी का नाम देंगे जो कंपनी हमारी जिस नाम से रजिस्टर्ड है, जो शॉप हमारी जिस नाम से रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकता हूँ, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछेगा फात का। तो दोस्तों जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर उस अकाउंटिंग जो अपन कंपनी क्रिएट कर रही हो उसका लोकेशन बाय डिफॉल्ट पहले से सेट किया होता है। लेकिन फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको जिस कंपनी का आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हो उसकी लोकेशन आप कहाँ देना चाहते हो तो ये आपको मैन्युअली यहाँ से सेट करना पड़ता है। तो आप इसको मैन्युअली सेट करने के लिए आप ब्राउज पे क्लिक करोगे और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अपनी कंपनी का रिकॉर्ड आप कौन से ड्राइव में किस नाम के फोल्डर के साथ सेव करना चाहते हो तो ये आपको मैन्युअली यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर मेरा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करना चाहता हूँ तो इसकी फाइल भी मेरे को यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। आप डी ड्राइव में जाके कोई फोल्डर क्रिएट करके फोल्डर के अंदर सब फोल्डर आप अलग से क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप बनाया हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने यहाँ पर मेरा फैक्टेक्स का रिकॉर्ड मैंने बनाया है तो फैक्टेक्स रिकॉर्ड के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और इस फोल्डर के नाम से इसके अंदर मेरे एबीसी के नाम से मेरी कंपनी है जो जिस नाम से मेरा डाटा सेव होना है उसका नाम यहाँ पर टाइप करूंगा और इस पर सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके की जो लोकेशन है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद में एड्रेस में आपको वो एड्रेस टाइप करना पड़ता है जिस लोकेशन पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे कि आपने जो जीएसटी नंबर ले रखा है उस जीएसटी नंबर पर आपने अप्लाई किया था, जो आपने एड्रेस वहाँ पर दिया था वो एड्रेस आपको इसमें लिखना पड़ता है। अब एड्रेस आपका आप अपने जीएसटी नंबर आपके पास है जो लाइसेंस है उसके देख के भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, शॉप नंबर के साथ में शॉप नंबर आ जाएगा। आप अपना जो भी लैंडमार्क अगर आपके पास में है, कोई बस स्टैंड के पास में है या कोई मंदिर के पास में है तो या रेलवे स्टेशन के पास में है तो उसका एड्रेस भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए एड्रेस में यहाँ पे टाइप कर देनी होती है क्योंकि जब भी हम हमारे कस्टमर को कोई इनवॉइस हम देंगे प्रिंट आउट उसका, जैसे सेल इनवॉइस वगैरह है या कोई रिसिप्ट वगैरह है, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन ये प्रिंट होके आता है तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन हमें टाइप करनी जरूरी होती है।
तो सिटी के अंदर जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो उस सिटी का नाम भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास ईमेल अगर आप अपने सेल इनवॉइस के साथ प्रिंट करना चाहते हो तो आप ईमेल भी दे सकते हो, फ़ोन नंबर दे सकते हो, आप अपने ऑफिस का दे सकते हो, रेजिडेंशियल का अगर देना चाहो तो दे सकते हो, ये सारी ऑप्शनल है। उसके बाद मोबाइल नंबर, फैक्स का नंबर है, आरटीएल नंबर। आरटीएल नंबर दोस्तों जब भी आप, अगर आप एज ए धान मंडी के व्यापारी हो, अगर आपने कृषि उपज मंडी से समिति से आप रजिस्टर्ड हो तो आपको आरटीएल नंबर भी मिलता है। तो आरटीएल नंबर जो लाइसेंस मिला है उसके ऊपर जो नंबर होता है आरटीएल का, वो नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी किसी अदर पार्टियों के टीडीएस काटती है तो आपके पास 10 नंबर भी होगा, तो 10 नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद KUMS नंबर यानी कि कृषि उपज मंडी समिति का जो लाइसेंस नंबर होता है आपके पास में, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब टिन नंबर की जरूरत नहीं होती क्योंकि टिन नंबर जीएसटी से पहले हमें जरूरत पड़ती थी, अब जीएसटी हो गया। उसके बाद में CIN, अगर आपकी कंपनी किसी कंपनी में रजिस्टर्ड है तो आप अपना कंपनी का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। FLN नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद में GST नंबर यानी कि जो आपकी कंपनी है उस कंपनी में आपको जो GST नंबर जो मिला हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। और उसके बाद में ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पे सील टाइप में। अब सील टाइप में आपको यहाँ पर क्या देना पड़ता है, जैसे कि अगर आपकी फर्म है जो साइन की अथॉरिटी होती है वो प्रोपराइटर के पास है या फिर मैनेजर के पास है, किस टाइप की अथॉरिटी रहती है, जैसे कि आप जो इनवॉइस होता है इनवॉइस के बिल्कुल लास्ट में जो लिखा होता है फॉर ABC ट्रेडिंग कंपनी, नीचे मैनेजर या फिर प्रोपराइटर या फिर प्रोपराइटर ओबलिंग मैनेजर दोनों दिए होते हैं, तो किस टाइप की आप सेल बनाना चाहते हो तो वो आपको नाम यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर मेरे पास प्रोपराइटर और मैनेजर दोनों की अथॉरिटी है तो प्रोपराइटर ओबलिंग मैनेजर के साथ भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ताकि जब भी आप इनवॉइस दोगे तो आपके इनवॉइस में इस तरीके के बिल्कुल फुटर में ये सील टाइप जो इस तरीके का लिखा होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी न्याय क्षेत्र रहेगा जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो तो वो अपने न्याय क्षेत्र का जो एड्रेस है यहाँ पर आप लिख सकते हो। जो भी अगर आप राजस्थान से हो, राजस्थान से किस मंडी से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से करते हो, तो वो लिख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे इंटीरियल डेट। इंटीरियल डेट दोस्तों जिस तारीख से आप अपना, जिस फाइनेंशियल ईयर आपकी बिजनेस शुरू हो रहा है उस फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको देनी है। जैसे कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आपने वर्क करना है तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2021 देना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही एक जरूरी चीज़ है, जब भी आप कंपनी क्रिएट करो तो ये इस डेट को आप जरूर ध्यान रखें, ये आपका फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्टिंग डेट होती है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास में राउंडिंग ऑफ मेथड का। दोस्तों राउंडिंग ऑफ सेटिंग में मतलब आ जाएगा इसका कि जो भी आपने सेलर स्लिप तैयार करी है, ऑक्शन इनवॉइस आप तैयार कर रहे हो, कस्टमर के लिए जो आप इनवॉइस तैयार करोगे, उस इनवॉइस के एंड में जो हमारे कुछ पैसे जो बच जाते हैं, अगर उन्हें आप ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करना चाहते हो, जैसे कोई कस्टमर है उसकी जो अमाउंट मनी है 120 रुपये और 3 पैसे, अगर आप चाहते हो भी 3 पैसे ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाए, तो उसकी सेटिंग के लिए आप कौन कौन से वाउचर के साथ सेटिंग करना चाहते हो तो उन पे सभी पे आपको टिक मार्क यहाँ पर करना पड़ेगा इन सभी को। तो मैं सभी के लिए चाहता हूँ तो इन सभी को मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दूंगा। और उसके बाद में ऑप्शन यहाँ पर आएगा ऑक्शन वाउचर टाइप, तो इसको आपको यहाँ से जर्नल ही रखना है। और उसके बाद में इसको हम करेंगे यहाँ से ओके। और इस तरीके से आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, कंपनी ABC ट्रेडिंग कंपनी क्रिएटेड, और इससे हम करेंगे ओके। और उसके बाद हम ओपन पर जाएंगे, तो ओपन पर जाने के बाद में हम यहाँ पर जो अभी हमने जो ट्रेडिंग कंपनी ABC ट्रेडिंग कंपनी इसको ओपन करेंगे और इसको ओके करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी आपने कंपनी ओपन करी होगी उसका नाम आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे ओपन हो जाएगा ABC ट्रेडिंग कंपनी का। आपका फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पर शो होएगा और असेसमेंट ईयर भी बिल्कुल साथ में शो होएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि फैक्टेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम कंपनी को कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे भी इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लेजर कैसे, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद में जिंस किस तरीके से क्रिएट होती है, स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट हो सकती है, किस तरीके से GST के पैरामीटर वगैरह सेटिंग होती है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट टू पार्ट इनके वीडियो हम क्रिएट करते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी अभी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।